हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार सर की फिल्म OMG 2, शाहरुख खान की फिल्म जवान, सनी देओल की फिल्म गदर 2 और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत सर के जेलर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत सर के जेलर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रजनीकांत सर की जब मूवी आती है तो साउथ इंडियन लोगों के लिए ये एक त्यौहार ही माना जाता है। लोग रजनीकांत सर की फिल्मों को काफ़ी पसंद करते हैं। 10 अगस्त 2023 को रजनीकांत सर की फिल्म जेलर रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने रजनीकांत सर की पिछली सारी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपये था। इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया था। तमिल और तेलुगु में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। अगर बात की जाए फिल्म के पहले दिन की, तो फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 48.35 करोड़ की ओपनिंग की, जो कि बजट के हिसाब से काफ़ी तगड़ा कलेक्शन था। इसी प्रकार से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन करती गई। जेलर फिल्म ने अपने पहले 33 दिनों में ऑल ओवर इंडिया से लगभग 342.98 करोड़ की कमाई की। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में अपने 33 दिनों में लगभग 598 करोड़ रुपए कमाए। 34वें दिन की अगर बात की जाए तो 34वें दिन फिल्म ने लगभग 30 लाख रुपए कमाए। 35वें दिन यानी कि आज फिल्म की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 13 से 14% बीच की है। नाइट शो तक फिल्म की ऑक्यूपेंसी लगभग 22 से 23% की देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आज ये फिल्म लगभग 28 लाख रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ फिल्म का अपने पहले 35 दिनों का लगभग कलेक्शन 343.56 करोड़ रुपए हो जाएगा। वही 35 दिनों में फिल्म दुनिया भर से लगभग 599 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर ट्रेंड कर रही है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार सर की फिल्म OMG 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। OMG 2 को गदर 2 फिल्म की कड़ी टक्कर मिली थी, फिर भी फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक कम स्क्रीन मिलने के बाद भी अच्छा खासा कलेक्शन किया। OMG 2 फिल्म हमें अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम लीड रोल में नजर आए थे। यह फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इसका बजट लगभग 60 करोड़ रुपए था। सेक्स एजुकेशन पर बनी इस फिल्म को लोगों ने बायकॉट किया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे यूएस सर्टिफिकेट दे दिया और फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 10.26 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि यह एक अच्छा खासा कलेक्शन था। इसी तरह फिल्म ने धुआंधार कलेक्शन करते हुए अपने पहले 32 दिनों में ऑल ओवर इंडिया से लगभग 150.17 करोड़ रुपए की कमाई की। वही 32वें दिन फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में लगभग 220.35 करोड़ रुपए कमाए। इसी तरह फिल्म ने अपने 33वें और 34वें दिन अच्छी खासी पकड़ बनाते हुए 25 लाख और 23 लाख रुपए कमाए। इसी के साथ फिल्म अपने 34 दिनों में इंडिया से लगभग 150.65 करोड़ के आसपास की कमाई कर रही है। वही पूरे वर्ल्ड में फिल्म 34 दिनों में लगभग 221.5 करोड़ रुपए कमा रही है और फिल्म सुपर ही ट्रेंड कर रही है। अब बात करते हैं सनी देओल की फिल्म गदर 2 के 34 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। गदर 2 फिल्म को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिला। फिल्म का क्रेज देखते हुए थिएटर्स वालों को कुछ शोज बढ़ाने पड़े। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 फिल्म का क्रेज इतना था कि लोगों ने सीट न मिलने के कारण नीचे बैठकर फिल्म को देखा। लगभग 22 साल पहले 2001 में गदर फिल्म आई थी, उस वक्त भी लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था। आज 22 साल बाद फिर से गदर 2 फिल्म ने इतिहास रच दिया। गदर 2 फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए था। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में हमें लीड रोल में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर और विलन के रोल में मनीष वाधवा नजर आए थे। गदर 2 ने अपने पहले दिन लगभग 40 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी तरह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करते हुए अपने पहले 32 दिनों में इंडिया से लगभग 515.58 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अपने पहले 32 दिनों में लगभग 674 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी तरह फिल्म ने अपने 33वें दिन लगभग 60 लाख रुपए की कमाई की और 34वें दिन यानी कि आज फिल्म की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए फिल्म लगभग 55 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही है। इसी के साथ गदर 2 फिल्म का
34 दिनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 516.73 करोड़ हो रहा है। वही दुनिया भर से फिल्म लगभग 675.50 करोड़ रुपए कमा रही है और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अब बात करते हैं फिल्म जवान की। शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग क्यों कहा जाता है, इस फिल्म ने बता दिया। दोस्तों, यह फिल्म साल 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। साउथ के डायरेक्टर एटली कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए है। सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में हमें ब्यूटीफुल नयन तारा और विलन के रोल में विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से लगभग 75 करोड़ रुपए की नेट कमाई की, जो कि आज तक कोई भी फिल्म नहीं कर पाई। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 129 करोड़ रुपए कमाए। जी हाँ दोस्तों, 129 करोड़ रुपए, जो कि आज तक कोई भी फिल्म नहीं कमा पाई। आज यानी के सातवें दिन फिल्म मॉर्निंग से ही 45% के ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। इसी के साथ आज जवान पूरी इंडिया से लगभग 25 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ फिल्म 7 दिनों में पूरी इंडिया से लगभग 373 करोड़ रुपए कमा रही है। यह एक बड़ा रिकॉर्ड है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 7 दिनों में 680 करोड़ रुपए कमा रही है। 7 दिनों में 680 करोड़ रुपए आज तक कोई भी फिल्म नहीं कर पाई और ना ही आगे कर पाएगी। तो दोस्तों, आपको OMG 2, जेलर, गदर 2 और जवान में से कौन सी फिल्म अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।